हमारी आज की कहानी एक ऐसे पेंटर की थी जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग करता था। उसकी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत, मानो उसमें सारे जो किए गए कार्य उसे जीवंत प्रकट करते हों। परंतु उसकी एक कमी थी कि उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता था, और जब भी वो पेंटिंग बनाता उसे उतनी ही उद्देश्य और उतनी ही लगन से बनाता था, परंतु उसकी तारीफ मुकाम या फिर पहुंच पाता अप्रिसिएशन क्या के कारण वो बहुत ये सब उदयपुर में लगा कोई भी नहीं करता कि वो एक अच्छा है अपने वो बार बार बहुत सी इतनी सारी एक दिन उसकी तकलीफ रहता है उससे बात करते अच्छी पेंटिंग तब उसके दोस्त फिर क्यों इतनी उदासी रखते हो अपनी जब इतनी अच्छा पेंटिंग में तुम सब कुछ बारीकियां लाते हो तुम नहीं अपने जीवन में तुम्हारे मन में जब ये सारी बातें आती है मैं क्या तुम अपनी पेंटिंग को अच्छी पेंटिंग ऐसे चौराहे पे लगा दो जहां से सभी आते जाते हो और उसमें या फिर कोई भी इसकी तारीफ कि जिस किसी कहते को भी इस पेंटिंग में कुछ जो कमी लगती है उसके दोस्त उसे लिखकर एक बताए अपनी इन सारी पेंटिंग को इसी किसी एक ऐसे चौराहे पर लगा दो जहाँ से सभी आते जाते हों, और वहाँ तुम एक छोटे से नोट्स लिख दो कि जो भी यहाँ से गुजरे कृपया इसमें इस बनी हुई पेंटिंग में बताए कि इसमें क्या कमी है और इनमें क्या सुधार किया जाए। ये लिख के नोट्स तुम अपनी पेंटिंग को टांग दो, फिर देखो अपनी जो कमी है उसे सुधार लेना। पेंटर ने वही किया, अपनी पेंटिंग को चौराहे पे लगा दिया जहाँ से सभी लोग आते जाते थे। पेंटिंग वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। उसने टंगी पेंटिंग देख के जो भी आते उसे उस पेंटिंग में टिक करके अपनी जो बात या अपनी कमी उसमें लिखते जाते कि हाँ यहाँ ये होना चाहिए। इस तरह से लिखते लिखते वो पेंटिंग की हालत ऐसी हो गई मानो उसमें कहीं घास भूसे की तरह पूरे फैली हो, पूरे पेंटिंग उसने ऐसा ही किया। शाम को जब वो जाता है तो उस पेंटिंग पे इतने सारे स्क्रैच देखता है कि वो और भी जाता है, वो देख के लगता है मानो किसी ने उसमें क्या मेरी पेंटिंग इतनी तरह गंदगी फैलाई थी, कमियां है मेरी पेंटिंग में, वो और उदास होता है बहुत मायूस, फिर अपने दोस्त के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है, उदास बैठता है। तब उसके दोस्त ने कहा अब एक काम करो उसमें जो सारी पेंटिंग सारी चौराहे पे वो फिर लगा दो और फिर देखो बहुत मायूस होता है वो पेंटिंग बना रहा था। तभी उसका दोस्त आता है, अपनी दोस्त को फिर सारी बात बताता है कि तुमने जैसे कहा मैंने किया, परंतु इतनी गंदगी देखकर मुझे तो अब अपनी पेंटिंग से नफरत सी होने लगी है। तब उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक काम करो, अब उसी पेंटिंग को और उसी तरह की पेंटिंग को बना के तुम अब फिर उस चारों तरफ लगा दो, हर चौराहे पर लगाओ और फिर देखो कि उसमें कितनी गलतियाँ निकलती है। परंतु इस बार तुम उसमें कुछ लिखना मत, बस टांग देना और नीचे नोट्स में लिखना कि इस पेंटिंग में कितनी अच्छाइयाँ हैं वो बताएं। गंदगी तो बहुत सी है पर अच्छाइयाँ बताइए। परंतु शाम तक जब उस पेंटर ने देखा किसी भी पेंटिंग पे एक भी टिक तक नहीं लगा हुआ था, पेंटिंग उतनी ही सुंदर दूर से ही चमक रही थी। तब उस पेंटर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो फिर अपने दोस्त के पास जाता है और पूछता है कि अभी तो मैंने पेंटिंग लगाई तो किसी ने उसमें एक खरोंच तक नहीं लगाई, आखिर क्या ये बात है। तब उसके दोस्त ने समझाया कि दुनिया की ऐसी ही फितरत है, जब तुम उसमें नुक्स निकालो बोलो तो न जाने हजारों लाखों नुक्स निकल जाएंगे, परंतु उसमें अच्छाइयाँ ढूँढने बोलो तो कोई भी ऐसा नहीं इंसान है जो उसमें अच्छाइयाँ ढूँढ सके। बुराइयाँ सभी को दिखती है लेकिन अच्छाइयाँ किसी एक को दिखती है, हजारों और लाखों में एक को दिखती है। तो अपने मन के का जो ये व्यथा है ये तकलीफ है इसे निकालो, और तुम जिस शिद्दत से और जितनी बारीकी से और जितनी उम्मीद के साथ पेंटिंग बनाती हो बनाते रहो, फिर देखो तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हारी पोस्टर में कितनी निखार आएगा। और उसमें कमियाँ तो दूर की बात, उसकी एक रंग की भी कमी कोई नहीं निकाल पाएगा। तो दुनिया ऐसी ही है, तुम जितना डरते हुए और जितना अपने आप को कोसोगे लोग उतना ही तुम्हें कोसेंगे। तो बात ये एक छोटी सी कहानी की नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, इस समाज की सच्चाई है। तो इसे आदमी जितना अपने जीवन में उतार ले उतना अच्छा है, और यदि उसको अंदर ही अंदर घुटे तो उससे निकलना और उभरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी, छोटी सी कहानी, बहुत ही अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीख जरूर मिली होगी। जो ही भी मायूस या उदास होते हैं वो अपने मन में इस बात को ठान ले
कि कमियां तो सभी निकाल सकते हैं लेकिन अच्छाइयां निकाल के देखें तब वो असली व्यक्ति है, अच्छा साथी है, अच्छा इंसान है। धन्यवाद। धीरे 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 आग लग जाएगा क्रिशु, ऊपर आ रहा है, देख के छोड़ देना, थोड़ा ऊपर और आ जाएगा तो।